34वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में बंचारी के मशहूर नगाड़े की थाप पर थिरके पर्यटक। हरियाणा की संस्कृति व भाईचारे का प्रतीक है नगाड़ा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में लगे 34वें अंतर्राष्ट्रीय मेले में हरियाणवी कल्चर की खास पहचान और भाईचारे के प्रति नगाड़े की जब थाप बरसती है तो यहाँ आए पर्यटक अपने आप को थिरकने से नहीं रोक पाते हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं जहाँ पर लड़के लड़कियाँ युवा युवतियाँ नगाड़े की थाप पर थिरक रहे हैं, तो वहीं बंचारी के इस मशहूर नगाड़े के नृत्य कलाकार की थाप पर उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। नगाड़े की थाप पर नृत्य करने आई युवती से जब बात की गई तो उसने बताया कि वह यहाँ मेले में हर साल घूमने के लिए आती है और बंचारी के इस मशहूर हरियाणवी कल्चर भाईचारे के प्रतीक इस नगाड़े की थाप पर अवश्य नृत्य करती है। क्या नाम है आपका? काजल, काजल ठाकुर। आप यहाँ पे डांस किया है, कौन सा ये वादक है, किस पे डांस कर रहे हैं? नगाड़ा। कहाँ का है ये नगाड़ा? सूरजकुंड। इससे पहले भी एंजॉय किया आपने? हाँ, मतलब सूरजकुंड में किया हमेशा। इसमें करती है आप एंजॉय? आज कितना मजा आया? बहुत। आप कंपटीशन दे रही है? टीचर देती आई हूँ। अच्छा, की गई तो उन्होंने बताया कि नगाड़ा हरियाणा की संस्कृति और भाईचारे का प्रतीक है जिसे वे लोग सूरजकुंड मेले में हर बार बजाते आ रहे हैं। उनके मुताबिक गांव में नगाड़ा जब बजता है तो सभी एक दूसरे के द्वेष को भुलाकर नगाड़े की थाप पर नृत्य करते हैं, जो भाईचारे एकता का प्रतीक है। यह पुरानी संस्कृति है जिसे वे लोग आज भी कायम रखे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नानक चंद, एक सरपंच मरौली। इसको बोलते हैं नगाड़ा चौपाई। कौन सी जगह का है ये? ये मरौली गांव से है, हरियाणा, मरौली गांव होटल पलवल से। कब से लगाते आ रहे हैं मेले में आप, ये कब से बजा रहे हैं? मेले में हम जब से शुरुआत हुई है मेले की तब से बजा रहे हैं। काफी आनंद ले रहे हैं लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और हम अपनी जो हमारी ब्रज की संस्कृति है उसको कायम करने के लिए चौपाई को यहाँ प्रस्तुति दे रहे हैं। पहले ये वादक जो गाँव में भी देखा जाता था, ये गाँव में हमारे बुजुर्ग इस बाजे को बजाते थे और ये बाजा जो है एक हमारे मेल का प्रतीक है। जब 20 लोग इकट्ठे होकर आपस में जब मेल रहता है तभी 20 लोग इकट्ठे होते हैं और इस चौपाई पार्टी पर नाचते और गाते हैं। ये हमारा मेल का प्रतीक है और हमारी पुरानी संस्कृति है। हमारे बुजुर्ग इस चौपाई को इस प्रकार इस पर नाचते हैं, गाते हैं और देशभक्ति के, ब्रज के रसिया, ईश्वर भक्ति के सभी गीत इस बाजे पर गाते हैं। इसके माध्यम से हमारे बुजुर्गों ने ये हमें जो शिक्षा दी है और अब हम अपने बच्चों को दे रहे हैं शिक्षा को, ताकि पता लगे और ये हमारी जो संस्कृतियाँ कायम रहे, ये लुप्त ना हो, इसलिए